कहाँ ले आए हो? मैंने आपसे कहा था ना मॉम कि जो होगा वो आपको अपनी आंखों से देखना होगा। पुष्कर, पुष्कर, ये सब क्या है? ये मजाक छोड़ो, उठो, पुष्कर। मेरी वजह से हुआ है। मेरी और मिस्टर वालिया की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी जुवीत ने अरेंज की थी। आदि अंकल, ये सब एक्टिंग हो रही है। मैंने वीर और पुष्कर को बातें करते हुए सुन लिया था। पुष्कर एक्चुअली प्रिया को मिस कर रहा है, इसलिए यहाँ से छुट्टी लेकर ये हॉस्पिटल जाना चाहता है।
अच्छे भाग है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। कहीं नहीं जाओगे समझे, मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगी। गेट अप नाउ। अरे पुष्कर यार, आप बेहोश होने का नाटक क्यों कर रहे हो? उठ जाओ यार, बहुत हो गया एक्टिंग। पुष्कर, कम ऑन पुष्कर, पुश। प्लीज मुझे माफ कर दो। था ना, मैंने कहा था ना कि उनका ये अटूट बंधन टूटेगा। देखो टूट गया, टूट गया माउंट आबू की बहनों का ये पहाड़ों जैसा बंधन। माफ कर दो, मजाक लग रहा था आपको ये सब? मजाक लग रहा आपको ये? ये मजाक लग रहा था आपको? मत जोड़िए हाथ मेरे सामने। कोई वहां मर रहा था, आपको मजाक लग रहा था? किसी का पति मर रहा था, आपको मजाक लग रहा था? कोई बच्चा अनाथ हो रहा था, आपको मजाक लग रहा था? वाणी दी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरे पास मत आना, मेरे आपने मुझसे मेरा पुष्कर छीना, पास मत आना मेरे। आप कैसे कर सकती थी वाणी? मजाक तो मेरे साथ हुआ है, मेरा पुष्कर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। भैया इसमें बाधी दीदी की कोई गलती नहीं है। दरअसल हम सब समझ रहे थे कि पुष्कर मजाक कर रहा है। हमें से किसी को पता नहीं चला कि उसको वाकई अटैक आया था। अगर अगर हमें जरा सा भी एहसास होता कि पुष्कर मजाक नहीं कर रहा है तो हम अपनी जान से बढ़कर पुष्कर के लिए किया होता। पिया इसमें वाने दे कोई गलती नहीं है। भाई पुष्कर आपका दोस्त है ना, आपकी सारी बातें मानता है ना, इसे कहो ना मजाक छोड़े और उठ जाए। भाई भी इसे कहो ना, इसे कहो ना उठ जाए। पुष्कर से कहा था ना मैंने, तुम कुछ भी कर लो, इन तीनों बहनों का ये अटूट प्यार ना टूटेगा। सामने पति की लाश पड़ी है लेकिन फिर कातिल के गले लग रही है। ये रो रहे हैं, बानी को ही गले लगा रही है, देखा तुमने? जाया पिता सदगुरु शिष्यास्ता पितरो महालय विधौ तीर्थिता तर्पणे। लीजिए अपने पिता को मुखाग्नि दीजिए।
मैं इस इंसान की चिता को अग्नि नहीं दे सकता। परम कर्तव्य होता है कि पिता को मुखाग्नि दे, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा नहीं हूं मैं इसका। मुझे बात पता चल चुकी है कि मैं उसका शुक्रिया करें। जयवालिया का बेटा। मेरी मां ने खुद मुझे बताया, मैंने उनकी आंखों में आंसुओं को देखा। उनके दर्द, उनकी तकलीफों को महसूस किया मैंने। अरे वो आज तक यही सोचती आई है कि जो कुछ भी उसने किया है वो उसी की गलती है। लेकिन मां, आप सोचती रही ना कि आपने इस घर के रिश्तों को बर्बाद किया, इस परिवार को बर्बाद किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर इट। आप उस चीज को कैसे बर्बाद कर सकती है जिसका कोई वजूद ही नहीं था? क्या किया इस परिवार ने आज तक आपके लिए? कभी आपको इन्होंने रिस्पेक्ट दी? Did anyone care about my mom? तू होश में तो हो, तू क्या कह रहा है? तू जान पूरे होश में हूँ मॉम मैं। अरे आप क्या चाहती? आप बस इतना चाहती थी ना कि आप आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिता। लेकिन क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत सोच रहा है। Stop it, Mom. आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वीर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? सब समझ चुका हूँ मैं, सब समझ चुका हूँ। जो कोई भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है मुझे ये औरत। जो आपकी जगह उस मंडप में जाकर बैठी थी जहां पर आपको होना चाहिए था मॉम। नहीं, देखो प्लीज, तुम्हें गलत समझी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात पहले सुन लो। बस मिस्टर वाल्या, जब भी कुछ गलत होता है आप दोषी हालातों को ही खराब। मैं जानता हूँ आपकी गलती नहीं थी, नहीं थी आपकी गलती। आपको तो ये भी नहीं पता था कि मंडप में मेरी मॉम नहीं, ये औरत बानी थी। आपने इसे स्वीकार किया मेरी मॉम को सोचकर। लेकिन उससे क्या हुआ? क्या हुआ मॉम? सच जानने के बाद भी क्या फर्क पड़ा माँ? क्या फर्क पड़ा ना इस आदमी को ना इस औरत को ना इस परिवार को? भुगतना पड़ा तो सिर्फ मुझे और आपको। ना मुझे मेरे बाप का नाम मिला और ना ही आपको आपकी पहचान। यही पहचान, यही नाम पाने मैंने खत्म बढ़ा। उस रात जो पुष्कर शुक्ला के साथ हुआ वो कोई मजाक नहीं, वो एक सोची समझी चाल के तहत हुआ। और ये सब मैंने किया ये बार पानी को जानबूझ कर सुनाने के। कहानी
से तो अपनी एक्टिंग छोड़ ही नहीं रहा। लगता है हम लोग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि कितना अच्छा एक्टर है। तू करते रहे भैया अपनी एक्टिंग, जब थक जाएगा उठ के आ जाना। चलो भैया हम लोग नया गेम सोचते हैं। लेट्स गो। आंखों में सवाल मत भरो, जब हम भी सामने खड़े उस आदमी को मौत दी जिसने 22 सालों तक मेरे जन्म का सबक मुझसे छुपाया। आदमी जो मर गया अपने सीने में ये रास लेकर के उसकी मौत की। मानता के चक्कर में सच को छुपाया, एक एक दुनिया से गया और दूसरी नजरों से। पागल हो गया तू, पागल हो गया वीर। अरे जिस इंसान ने तुझे इतना प्यार दिया उससे ज्यादा प्यार किया तुझसे इस दुनिया में, वो अपना बच्चा नहीं रहा ताकि वो तुझे प्यार दे सके। उसे ये सिला दिया तुमने? अरे ये इंसान जिंदगी भर दूसरों की खुशियों के लिए कोशिश करता रहा, दूसरों की जिंदगी बसाता रहा बस इसी दिन के लिए, ताकि आज उसे दुनिया से इस तरह जाना पड़े। तुझे पता भी हो तुम डर डर के ठोकरे खाते हो। बातें बंद करिए बाप, अभी महान बनने का। महान तो ये था, ये आदमी महान था, अपने सीने में बहुत दर्द देना मेरे लिए। तुम जानते हो मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशियां थी सब इस आदमी की वजह से थी। आज वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, तूने सब कुछ छीन लिया। चले जाओ यहाँ से तुम, गेट आउट ऑफ हियर। तुम्हें कोई सजा नहीं देगा वीर, कोई सजा नहीं देगा। लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने आप को सजा दूंगी तुम्हें पैदा करने की। मैं अपने आप को मार डालूंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पंडित जी आप अग्नि बुझे दीजिए, पुष्कर का अंतिम संस्कार मैं करूंगा।
जीवन छेड़े प्यार की धुन।